नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल मंजर कुछ यूं है कि बॉलीवुड में हर जगह सिर्फ सीक्वल ही सीक्वल नजर आ रहे हैं। वेलकम, ब्रह्मास्त्र, हेरा फेरी, फुकरे, गदर एंड व्हाट नॉट। इन दिनों फैंस सीक्वल को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। जैसे अब अनिल शर्मा की गदर 2 ने थिएटर्स में तूफान ला दिया था। इसने अभी 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बट दिस इज नॉट जस्ट इट, अभी फैंस स्त्री 2 से लेकर हेरा फेरी 3 और वेलकम का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही फिल्मों की जिनके सीक्वल जल्द ही हमें नजर आने वाले हैं बड़े पर्दे पर। तो शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे हालिया अनाउंसमेंट की, जो कि हुई थी वेलकम 3 को लेकर। अक्षय कुमार एक बार फिर नई कॉमेडी और मल्टी स्टारर फिल्म लेकर आ रहे हैं और ये फिल्म है वेलकम 3। पिछले कई दिनों से वेलकम फ्रेंचाइजी की नई कड़ी की चर्चा चल रही थी। अब आखिरकार मेकर्स ने अक्षय कुमार के बर्थडे पर वेलकम 3 का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही 3 मिनट 21 सेकंड का अनाउंसमेंट वीडियो भी सामने आया है। हेरा फेरी 3। हेरा फेरी क्लासिक कल्ट कॉमेडी फिल्मों में से एक है, जो अपना अनोखी कहानी से आपको गुदगुदाने में कामयाब होती है। अब जल्द ही हेरा फेरी फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल आने वाला है। फुकरे 3। मृगदीप सिंह लामा द्वारा निर्देशित फुकरे 3 का निर्माण रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा, मनजोत सिंह और पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 28 सितंबर को प्रभास की सालार द्वारा छोड़ी गई जगह लेते हुए सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मेट्रो इन दिनों अनुराग बसु द्वारा निर्देशित लाइफ इन अ मेट्रो का सीक्वल है। दूसरी किश्त 29 मार्च 2024 को रिलीज होगी और इसमें आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोनकड़ा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब बात करते हैं टाइगर 3 की। मनीष शर्मा की फिल्म टाइगर 3 इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त में वापस आएंगे। फिल्म में इमरान हाशमी, रेवती, रणवीर शौरी और अन्य भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे और ऐसे कयास जताए जा रहे हैं कि इमरान हाशमी का बड़ा अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है इस फिल्म के अंदर, जो कि देखने में बहुत मजा आएगा। इसके अलावा शाहरुख खान पठान के किरदार में अपना कैमियो भी करेंगे इस फिल्म के अंदर, जो कि अपने आप में ही इस पूरी फिल्म को और एक्साइटिंग बना देता है। स्त्री टू की घोषणा जून 2023 में कर दी गई थी और कहा जाता है कि इसकी थीम ओ स्त्री रक्षा करना एक बिना सिर वाले आदमी से है। स्त्री 2 की एक तस्वीर साझा की गई थी जिसमें दीवार पर लापता पोस्टर के साथ चंदेरी की एक शांत गली दिखाई गई थी। फिल्म अगस्त 2024 में रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। अभिनेता कार्तिक आर्यन फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू करेंगे और फिल्म की शूटिंग फ्लोर पर आने के 4 महीने बाद की जाएगी। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के निर्माता फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखने को लेकर काफी सावधान है और इसी के चलते उन्होंने जहां पहले पार्ट में विद्या बालन को लिया था, वहीं दूसरे पार्ट में उस प्रोमिनेंट रोल को निभाने के लिए उन्होंने तब्बू को चूज किया था, जो कि वाकई में एक बहुत वाइज डिसीजन था। खैर, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप इनमें से सबसे ज्यादा किस बेसिकली फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।